हमने अब तक GTA 5 में बहुत सारे मॉन्स्टर्स को पकड़ा है, लेकिन आज के दिन हम लोग नुरपो को पकड़ने वाले हैं, जो कि इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक है। स्वागत है आप लोग का GTA 5 के एक और शानदार से दिन में, और वहां पे हमारे सामने कार्टून कैट है, जिसे जरूर पता होगा कि नुरपो कहाँ पे है। फ्रैंकलिन संभल के, नुरपो जस्ट मेरे बगल में है। अरे कार्टून कैट, कहाँ है यार नुरपो? मुझे उससे बहुत डर लगता है। अरे फ्रैंकलिन चिंता मत करो, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम जल्दी से कार्टून डॉग के पास जाओ, उसे जरूर पता होगा कि नुरपो कहाँ पे है। क्या बात है कार्टून कैट, तुम्हारी बात में तो दम है, लेकिन कार्टून डॉग हमें कहाँ पे मिलेगा? अरे फ्रैंकलिन तुम पागल हो क्या? वो एक डॉग है, तो वो तुम्हें डॉग पार्क पे मिलेगा। ओके कार्टून कैट, मैं समझ गया हूँ, तो हम लोग जल्दी से डॉग पार्क पे चलते। लेकिन यार हम लोग डॉग पार्क पे जाएंगे कैसे? मेरे पास एक शानदार सा आइडिया है, बहुत सही फ्रैंकलिन, इसे कहते हैं स्वैग। तो हम लोग फुल स्वैग में जल्दी से डॉग पार्क पे चलते हैं। क्या बात है फ्रैंकलिन, तो हम लोग इस शानदार तरीके से इस डॉग पार्क पे आ चुके हैं। और अरे यार चलो, तो हमने एक ठीक ठाक लैंडिंग की है। वैसे एक सेकेंड फ्रैंकलिन, ये जो डॉग पार्क है, इसके चारों तरफ ये क्या है? मेरे ख्याल से ये डॉग का कोई टॉय है। और एक सेकंड, तुमने आवाज सुना? ये मेरे ख्याल से कार्टून डॉग की आवाज है। यार फ्रैंकलिन सही में यार, ये वाली जो जगह है ना, ये बहुत ज्यादा अजीब है। और एक सेकंड, यहाँ पे लिखा है बीवेयर ऑफ डॉग, इसका मतलब हमें डॉग से बचना है। और इसका मतलब ये हुआ कि कार्टून डॉग आसपास है। और अरे तुमने आवाज सुना? इसका मतलब कार्टून डॉग किधर है? अरे यार ये तो जस्ट हमारे सामने है। हेलो ब्रो कार्टून डॉग, क्या हालचाल है? और तुम लोग देख सकते हो ये देखने में कितना ज्यादा अजीब है। अरे फ्रैंकलिन मैं क्या बताऊं यार, मेरा हालत तो बहुत खराब है। अच्छा कार्टून डॉग, इन सब बातों को एक साइड में रखो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं नुरपो को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम्हें पता है वो किधर है? हाँ फ्रैंकलिन, मुझे पता है कि नुरपो किधर है। तुम्हें उसे ढूंढने के लिए सबसे पहले मीट को ढूंढना पड़ेगा। अरे कार्टून डॉग तुम क्या बोल रहे हो यार, मैं मीट को क्यों ढूंढूंगा? क्योंकि तुम्हें वहीं पे नुरपो मिलेगा, तुम जल्दी से मीट फैक्ट्री जाओ। ऑल राइट कार्टून डॉग, मैं समझ गया हूँ, तो चलो फ्रैंकलिन हम लोग जल्दी से मीट फैक्ट्री चलते हैं। तो चलो यहाँ से निकला जाए। और अरे एक सेकेंड यार, मेरे पास तो कोई भी कार नहीं है। ए कार्टून डॉग सुनो, क्या तुम्हारे पास कोई कार है? क्या तुम प्लीज मुझे उधार दे सकते हो? ओके फ्रैंकलिन मैं समझ गया हूँ, बाहर पार्किंग एरिया में मेरी एक शानदार सी कार है, तुम जल्दी से उसे ले लो। थैंक यू कार्टून डॉग, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो यार हम लोग जल्दी से इसकी शानदार सी कार को चेक करते हैं। वैसे मुझे इसकी कार से ज्यादा उम्मीद तो नहीं है। और अरे भाई क्या बात है, जो कार्टून डॉग की कार है ये देखने में कितनी ज्यादा मस्त है। चलो हम लोग जल्दी से फटाफट से इस कार के अंदर बैठते हैं। चलो यार, तो इसी के साथ हम लोग इस शानदार से मीट फैक्ट्री में आ चुके हैं। लेकिन एक सेकंड फ्रैंकलिन, ये देखो सामने तो दो दो बंदे हैं। यार ये तो गलत सीन हो गया, फिर हमें इस मीट फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। यार फ्रैंकलिन मेरे दोस्त प्लीज, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग आराम से इसके ऊपर चढ़ते हैं। ओके ओ यार उन्हें जरा सा भी पता नहीं चला है। तो यस यार हम लोग इस तरीके से इस मीट फैक्ट्री के अंदर आ चुके हैं। यार कार्टून डॉग ने मुझे इस जगह पे भेजा तो है, लेकिन मुझे आसपास कहीं भी नुरपो तो नहीं दिख रहा। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो यार फ्रैंकलिन हम लोग कोई आसपास सबूत ढूंढते हैं, ताकि हम लोग नुरपो को खोज सके। और एक सेकंड, ये सामने कौन है? अरे यार ये सब तो ज़ॉम्बीज है। अरे अरे मारो मारो, हम लोग जल्दी से इन सबको मारते हैं। अरे यार इन सब काऊ को छोड़ दो। ओ भाई ये तो गलत सीन हो गया है,
फ्रैंकलिन, हमें फटाफट यहाँ से भागना पड़ेगा। अरे यार मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आसपास बहुत ज़ॉम्बीज है। एक सेकंड, हम लोग इसके ऊपर चढ़ते हैं और जल्दी से इसके ऊपर। क्या बात है, अब हम लोग शायद से सेफ हैं। चलो फ्रैंकलिन, हम लोग जल्दी से इसके ऊपर भी चढ़ जाते हैं। अरे भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या सीन है। और एक सेकंड, तुमने सुना यहाँ पे कैसा साइरन हेड की आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से ये आवाज ऊपर वाले जगह से आ रही है। हम लोग चलो जल्दी से एकदम टॉप पे चलते हैं। यार फ्रैंकलिन एकदम अलर्ट रहना, आसपास कोई भी हो सकता है। लेकिन यार यहाँ पे तो साइरन हेड कहीं भी नहीं है। और एक सेकंड, तुमने फिर से सुना वो कितना जोर जोर से आवाज कर रहा? मेरे ख्याल से ये आवाज इस सामने वाले जगह से आ रही है। यार इसका मतलब हमारा इतना ऊपर आना एकदम फालतू था। और एक सेकंड यार, वहां सामने कुछ तो है, रुको हम लोग देखते हैं। और भाई ये तो शायद से एक नोट है, रुको हम लोग जल्दी से इसे पढ़ने का ट्राई करते हैं। यार ये देखो, मैं इस नोट को पढ़ रहा हूँ और इसके ऊपर लिखा है कि साइरन हेड अपना बीच पे है। अरे यार फ्रैंकलिन, ऐसा हो सकता है कि साइरन हेड को पता हो कि नूरपो किधर है। तो चलो हम लोग 3, 2, 1 और यहाँ से जंप करते हैं। संभाल के, ओ भाई बाल बाल बचे हम लोग। यार मेरी कार उस सामने वाले जगह पे है तो हमें एकदम तेज काम करना होगा। ओ ओके ओके ओके, हम लोग जल्दी 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 आके भागते हैं, इन सबको सबसे पहले मारते हैं, निकल तू सब पहली फुर्सत में। तो चलो यार अब जल्दी से हम लोग आगे चलते हैं। यार फ्रैंकलिन कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये रही मेरी शानदार सी कार और चलो अब हम लोग फटाफट से बीच के पास चलते हैं। चलो यार तो इसी के साथ हम लोग इस शानदार से बीच पे आ चुके हैं। और क्या बात है, ये देखो ये जो साइरन हेड है ये तो जस्ट हमारे सामने है। ये साइरन हेड ड्यूड क्या हालचाल है? और अरे 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 प्लीज यार इतना तेज शोर मत करो, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। चलो यार तो इतने मुश्किल के बाद ये अपना साइरन हेड शांत हो चुका है। हे साइरन हेड, क्या तुम्हें पता है नूरपो किधर है? ऑब्जर्वेटरी जाओ और बॉल को ब्लास्ट करो। ऑल राइट साइरन हेड, मैं समझ चुका हूँ, तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यार फ्रैंकलिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, चलो हम लोग फटाफट से ऑब्जर्वेटरी चलते हैं। ये है लॉस सेंटोस का गलीलियो ऑब्जर्वेटरी और साइरन हेड के अकॉर्डिंग हमें इसी के अंदर रखे बॉल को ब्लास्ट करना है। चलो यार फ्रैंकलिन मेरे शेर, हम लोग जल्दी से इस ऑब्जर्वेटरी के अंदर जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं। और क्या बात है, हम लोग इस पे चढ़ते हैं और इस शानदार तरीके से हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं। यार फ्रैंकलिन मुझे यहाँ ब्लास्ट करने के लिए कोई भी बॉल नहीं दिख रहा, रुको हम लोग आगे चल के और अच्छे से देखते हैं। यार हो सकता है कि जो वो बॉल हो वो नीचे वाले साइड में हो। हम लोग आराम से यहाँ पे जंप करते हैं और जल्दी जल्दी ला 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 ढूंढते हैं। और क्या बात है, जो बॉल हम लोग ढूंढ रहे थे वो तो जस्ट हमारे सामने है। यार फ्रैंकलिन मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, हम लोग जल्दी से अपना ये शानदार सा पिस्टल लेते हैं और इस पे शूट करते हैं। अरे यार इस पे तो कुछ असर ही नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से यार ये जो बॉम्ब है ना ये काफी ज्यादा मजबूत है। तो एक सेकंड, मुझे एक बहुत मस्त आइडिया आया है, हमारे पास एक शानदार सा स्टिकी बॉम्ब है, हम लोग जल्दी से यहाँ पे खूब सारे स्टिकी बॉम्ब लगा देते हैं। तो चलो फ्रैंकलिन तुम तैयार हो ना? हम लोग इस स्टिकी बॉम्ब को थोड़ा दूर से ब्लास्ट करने वाले है, इस वजह से मैं इस वाले जगह पे आ चुका हूँ। चलो 3, 2, 1 और इसे ब्लास्ट करते हैं। अरे भाई साहब यहाँ पे कितना बड़ा धमाका हुआ, हम लोग जल्दी से चेक करते हैं। ओ ओ, ओ मैन, यहाँ पे नूरपो आ चुका है। और यार ये देखने में कितना ज्यादा डरावना है। अरे यार अचानक से ये क्या हुआ, ये जो नूरपो है ये तो मुझे मारना चाह रहा है। फ्रैंकलिन चलो हम लोग जल्दी से इसे मारते हैं। ओ, ओ, ओ मैन इस पे तो कुछ असर ही नहीं कर
मर्रा, यार मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। चलो फ्रैंकलिन, हम लोग फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना। तब तक के लिए पीस।